हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पांच दिवसीय विराट वेदांत महाकुंभ 18 से देश भर से महामंडलेश्वर संत गण करेंगे वेद और वेदांत पर चर्चा। जोधपुर पावटा सी रोड स्थित शिव मंदिर में 18 नवंबर से 5 दिवसीय विराट वेदांत महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। इस वेदांत महाकुंभ के दौरान देश और प्रदेश के करीब 12 से 16 महामंडलेश्वर, 15 से 18 संत कथावाचक और शहर के संतगण भाग लेकर वेद और वेदांत पर चर्चा विमर्श करेंगे। यह जानकारी विराट वेदांत महाकुंभ के आयोजक आचार्य पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद स्वामी ने संवाददाता सम्मेलन में दी। उन्होंने बताया कि इस 4 दिवसीय विराट वेदांत महाकुंभ के दौरान रोजाना सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक योग शिविर, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंचकुंडीय महायज्ञ, दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान का आयोजन और शाम 4 से रात 8 बजे तक विराट वेदांत महाकुंभ के दौरान महामंडलेश्वर के प्रवचन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 18 नवंबर को शोभा यात्रा के साथ होगी, जबकि 19 नवंबर को 1100 दीपक के साथ तुलसी जी की आरती का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन भक्ति शिरोमणि मीरा की भक्ति पर वेदों की चर्चा होगी। 20 नवंबर को ऋषि मुनियों के वेदों पर प्रवचन होंगे, जिसमें वर्तमान समय के विज्ञान, संस्कार और संस्कृति पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगले दिन 21 नवंबर को वेद और वेदांत पर महामंडेश्वरों की चर्चा का आयोजन होगा और 22 नवंबर को समापन सत्र के दौरान धर्म, अध्यात्म, गौ रक्षा और समाज सुधार में भूमिका निभाने वाले मातृ शक्ति युवा शक्ति समारोह आयोजन में सहयोगी भामा शाहो और शिक्षा के क्षेत्र में 10-12 के मेरिट प्राप्त 3-3 छात्र और छात्राओं को उनके माता पिता के साथ सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।